हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीक कहा था कि आई विल बी डूइंग अ क्यू एंड ए वीडियो, सो हियर आई एम। तो जितनों ने भी मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैंने कोशिश की है कि मैं सबको आंसर कर पाऊं। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड, बिकॉज वीडियो के एंड में आई विल बी अनाउंसिंग द नेम ऑफ द सब्सक्राइबर जिनको मैं ये मग भेजने वाला हूँ। सो हियर वी गो। सनी कैसेनोवा हैज रिटन, भाई आप आतिफ असलम को कॉपी क्यों करते हो? अब तो आदत सी है मुझको। हाँ, आप कह सकते हो कि मेरी शक्ल मिलती है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। यू कैन नोटिस हाउ मेनी डिफरेंट लुक्स आई हैव ट्राइड ऑन दिस चैनल, अलग अलग वीडियो पे। आई विल शो इट टू यू। मैं चाहे जो मर्जी लुक ट्राई कर लूँ यार, मैंने क्लीन शेव से स्टार्ट किया था, मैंने दाढ़ी बढ़ाई, मैंने बाल लंबे रखे, छोटे रखे, कैप्स अलग अलग ट्राई की, बट स्टिल एक कमेंट तो उस वीडियो पे आ ही जाएगा कि ही लुक्स लाइक आतिफ असलम, एंड आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, एंड आई अंडरस्टैंड दैट, इट्स ओके। लेकिन अगर आप सिंगिंग के लिए बोल रहे हो कि आई एम ट्राइंग टू कॉपी आतिफ असलम, देन आई हैव समथिंग फॉर यू। नजरों से ना करना तुम बयां, मुझसे नहीं तेरी पहली नजर का ये असर मुझ पे हुआ इस कदर जानिमा, मुझे गुना भरी खबर जानिमा। और अगर ये सुनने के बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम ट्राइंग टू कॉपी, देन आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। मैं किसको कॉपी कर रहा हूँ बताऊं? देखो, प्रभजोत ने पूछा है, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस्ड व्हाइल लर्निंग म्यूजिक थियरी, म्यूजिक प्रोडक्शन एंड मिक्सिंग ऑल बाय योरसेल्फ, एंड हाउ डिड यू ओवरकेम दोज प्रॉब्लम्स? सी प्रभजोत, खुद से सीखने में द बिगेस्ट डिफिकल्टी इज दैट यू डोंट नो वेयर टू बिगिन विथ, और इंटरनेट पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो एट टाइम्स यू गेट लॉस्ट इन द ओशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट्स अवेलेबल। सो द वे टू ओवरकम इज, फर्स्ट ट्राई टू एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ। आप रिकॉर्ड करते वक्त या काम करते वक्त जहाँ जहाँ पे भी आपका काम अटक रहा है, तो स्पेसिफिकली उस प्रॉब्लम को लेके ही सर्च करें, यूज गूगल एफिशिएंटली, एंड डू नॉट वेट टू अचीव परफेक्शन बिफोर यू स्टार्ट पब्लिशिंग वीडियोस और योर म्यूजिक ऑनलाइन। आई नो सो मेनी पीपल वो जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम और द राइट मोमेंट, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। जैसे जैसे सीखते जा रहे हो, जितना आता है, विदाउट बीइंग अफ्रेड ऑफ क्रिटिसिज्म, जस्ट पुट योर वर्क आउट इन पब्लिक एंड गेट द फीडबैक फ्रॉम पीपल। फ्रेंड्स के केस में ऐसा हो जाता है कि मोस्टली फ्रेंडली और पॉजिटिव फीडबैक ही मिलता है, वो झिझकते हैं हमें नेगेटिव बोलने से, बट व्हेन यू पुट योर वर्क आउट इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेंजर्स, वहाँ पे गालियाँ भी पड़ेंगी, नेगेटिव फीडबैक आएगा, और कुछ जेन्युइन लोग होते हैं जो कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे। फ्रॉम दैट व्हाट यू कैन लर्न इज समथिंग वेरी वैल्यूएबल, जो कि और किसी तरीके से वो नॉलेज आपको नहीं मिल सकता। चिराग फ्रॉम लर्न एंड लाफ चैनल हैज सेड, ऑल द बेस्ट दर्शित भाई, ऐसा क्या है जो आप सिंगिंग के थ्रू लाइफ में अचीव करना चाहते हो, और वो फीलिंग कैसी होती है जब आपके सॉन्ग्स सबको बहुत अच्छे लगते हैं, और बाहुबली सॉन्ग इज ऑसम, एंड फाइनली थैंक्स फॉर क्यू एंड ए। वेल थैंक यू चिराग, ग्लैड यू लाइक द बाहुबली सॉन्ग। ऑब्वियसली जब सबको गाने पसंद आ रहे होते हैं उस वक्त अच्छा ही लगता है। ऐसा क्या है जो मैं सिंगिंग के थ्रू लाइफ में अचीव करना चाहता हूँ? आई वॉन्ट टू बी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर पीपल हु थिंक दे आर नॉट द बेस्ट, हु थिंक दे डू नॉट हैव द टैलेंट और द पोटेंशियल टू मेक इट बिग इन दिस इंडस्ट्री और इन एनी इंडस्ट्री, इन एनी फील्ड और एरिया ऑफ लाइफ। वन ऑफ माई फेवरेट सेइंग इज दैट लाइफ्स बैटल्स डू नॉट ऑलवेज गो टू द फास्टर एंड द स्ट्रॉन्गर मैन, बट सूनर और लेटर द मैन हु विंस इज द मैन हु थिंक्स ही कैन, एंड आई एम प्रीटी श्योर आई विल बी एबल टू डू इट। मनकुश शर्मा हैज आस्क्ड, प्लीज मेक ट्यूटोरियल वीडियोज ऑन हाउ टू रिकॉर्ड वोकल्स एंड देन मिक्स एंड मास्टर इट। मे बी इन फ्यूचर, क्योंकि एक वीडियो में बता पाना इट इज डिफिकल्ट, इट विल बी सीरीज ऑफ वीडियोज दैट आई एम डेफिनेटली प्लानिंग इन फ्यूचर। हर्षिता शर्मा हैज आस्क्ड, दर्शित सर लुक लाइक अ हीरो, आप मूवी में क्यों नहीं ट्राई करते? थैंक यू हर्षिता, इफ यू थिंक आई लुक दैट गुड, आई पर्सनली डोंट थिंक सो। इतना भी अच्छा नहीं लगता कि मूवी में ट्राई करना चाहिए, और उसके लिए अच्छा दिखने के अलावा एक्टिंग नाम की एक चीज़ जो है वो आनी चाहिए, जो आई डोंट थिंक मैं बिल्कुल भी अच्छा हूँ उसमें। या और अगर इतना आसान होता तो आई थिंक हर एक मूवी में एक नया हीरो देखने को मिलता, सो आई एम श्योर इट्स नॉट दैट ईजी। शशांक ने पूछा है, दर्शित नायक भाई आप बॉलीवुड के लिए ट्राई क्यों नहीं करते, आप इतना अच्छा गाते भी हैं?
थैंक यू शशांक, आई एम ग्लैड यू थिंक कि मुझे बॉलीवुड में ट्राई करना चाहिए, बट इफ़ आई थिंक एज अ कंपोजर, मान लो मैंने बॉलीवुड की किसी मूवी के लिए म्यूजिक दिया है और मैं किसी सिंगर से गवाना चाहता हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी अरिजीत सिंह है, अरमान मलिक है, आई हैव बेनी दयाल, इन द लेजेंड्स आर ऑलरेडी देयर लाइक सोनू निगम, देयर इज सुखविंदर सिंह, देयर इज के शान, इतने सारे रियलिटी शोज आते हैं, इतने सारे सिंगर्स आते हैं, विनीत सिंह नाम के एक बहुत अच्छे सिंगर आए थे हु वॉज इन सारेगामापा इफ यू रिमेंबर, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था मैं कोमल नाहता जी के साथ ऑन ETC बॉलीवुड बिजनेस, ही सेड देर आर क्लोज टू 1 lakh सिंगर्स ऑलरेडी स्ट्रगलिंग इन मुंबई और आई एम प्रिटी श्योर कि सब एक से एक अच्छा गाने वाले सिंगर्स वहाँ पे होंगे, तो इफ़ आई थिंक एज अ कंपोजर आई वुड लुक फॉर अ वेरी यूनिक वॉइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, एकदम डिफरेंट वॉइस, क्योंकि यू माइट हैव नोटिस मोर और लेस सभी सिंगर एक जैसा ही गा रहे हैं, द ओनली वे आई सी माई सेल्फ गेटिंग इन टू बॉलीवुड इज वन ऑफ माई सॉन्ग गेट सिलेक्टेड इन अ मूवी, मेरा खुद का गाना अगर वो सिलेक्ट होता है और वो मैंने ऑफकोर्स खुद गाया, जैसा आप देख रहे हैं ट्रेंड, एंड आई कंसिडर माई सेल्फ अ कंपोजर फर्स्ट, आई एम अ सिंगर सॉन्ग राइटर, मुझे अपने गाने खुद गाने हैं, आई एम नॉट अ प्लेबैक सिंगिंग मटीरियल, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो डेफिनेटली आई विल बी विलिंग टू वर्क इन बॉलीवुड, एज सच मेरी कोई जान पहचान तो है नहीं, तो डायरेक्टली तो मैं ट्राई नहीं कर सकता, वॉट आई कैन डू इज आई कैन फोकस ऑन बिल्डिंग माई यूट्यूब चैनल एंड क्रिएटिंग इट एज बिग एज पॉसिबल और अपने खुद के किए हुए गाने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ, सो दैट इज़ माई मेन फोकस, फिर वो बॉलीवुड के थ्रू जाएँ या फिर मैं डायरेक्टली आप तक पहुँचाऊँ, फॉर मी बोथ द थिंग्स आर सेम, और बॉलीवुड का भी आप ट्रेंड देखो क्या चल रहा है, इतने सारे टैलेंटेड कंपोजर्स हैं बॉलीवुड के पास, इतने अच्छे अच्छे गाने बनाने वाले लोग हैं, लेकिन बॉलीवुड कवर्स बनाने पर लगा हुआ है, 70s के गाने रीमेक करके फिर से बना रहे हैं, 80s के गाने फिर से रीमेक करके बना रहे हैं, 90s के, अभी तो इतनी हद आ गई कि ये 2011 या 12 की कोई मूवी, वो कुछ तो है तुझसे वास्ता, एजेंट विनोद का गाना अरिजीत सिंह ने गाया हुआ, अभी राबता मूवी में अभी 10 साल भी नहीं हुए हैं यार, और इतना जल्दी गाना रीमेक बन रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि ओरिजिनल गानों की कमी होगी, इतने अच्छे अच्छे कंपोजर्स हैं कंट्री में, बॉलीवुड में इतने अच्छे कंपोजर्स हैं, पर पता नहीं, मेरा ये मानना है कि यू शुड हैव योर ओन प्लेटफॉर्म, यू शुड हैव योर डायरेक्ट रीच टू योर ऑडियंस, किसी भी बिचौलिए के बिना, बिचौलियों से मेरा मतलब है बॉलीवुड में हर कोई, स्टूडियोज हो गए, रिकॉर्ड लेबल्स हो गए, यू शुड बी एबल टू रीच टू योर लिसनर्स डायरेक्टली, कोई और जब आ जाता है बीच में एंड देन दे डिसाइड कौन सा गाना करना है कैसे करना है, तो आपकी क्रिएटिविटी तो कुछ रही नहीं, एंड दैट इज़ नॉट वॉट आई वॉन्ट टू डू, आई वॉन्ट टू डू माई ओन सॉन्ग्स, आई हैव सो मेनी सॉन्ग्स दैट आई वॉन्ट टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ पीपल, सो आई एम ट्राइंग टू क्रिएट माई ओन प्लेटफॉर्म दिस यूट्यूब चैनल, मैं यहाँ पे कवर्स इसलिए करता हूँ सो दैट लोगों तक पहुँच सकूँ, जितने ज़्यादा लोग यहाँ पे चैनल पे होंगे, पहला स्टेप ऑडियंस बिल्ड करने का है, उसके लिए कवर्स करने पड़ते हैं अपने तरीके से, उसमें चेंजेस करके नए नए वर्जन बना के, द थिंग इज ट्रैफिक आता रहता है चैनल पे, उसके बाद मैं अपने ओरिजिनल गाने जब मैं रखता हूँ तो थोड़े बहुत लोगों तक पहुँच पाता है, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट ओरिजिनल सॉन्ग्स एंड मेक देम फेमस, आई नो मेनी बैंड्स हु हैव बीन क्रिएटिंग सम अमेजिंग सॉन्ग्स ओवर द ईयर्स, पिछले 6-7 साल से मैं ऐसे बैंड फॉलो कर रहा हूँ कि सम ऑफ देयर सॉन्ग्स आर इवन बेटर देन वॉट वी गेट टू हियर इन बॉलीवुड, सो एज अ प्लेबैक सिंगर तो मैं खुद को ही अपने को चांस नहीं दूंगा, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एलिजिबल इनफ, और जहाँ तक अपने गानों का सवाल है आई डोंट नो, अगर चांस मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज YouTube पे। सजल सारस्वत हैज रिटन, हे दर्शित, लव व्हाट यू डू मैन, सीरियसली माई क्वेश्चन वुड बी, हैव यू लर्न्ड व्हाट यू डू और यू आर बॉर्न विद दिस ऑसम टैलेंट ऑफ योर्स, सीरियसली मैन, लव योर ओरिजिनल लिरिक्स इन योर सॉन्ग्स, आर यू प्लानिंग टू मेक योर ओरिजिनल सून, थैंक यू सो मच सजल फॉर योर काइंड वर्ड्स, आई एम हम्बल्ड बाय योर कमेंट, सजल आई एम अज्यूमिंग आप मेरे कवर्स की बात कर रहे हो जिसमें मैंने अपने लिरिक्स खुद के ऐड किए हैं उसकी बात कर रहे हो, एंड यू आर आस्किंग कि मैं ओरिजिनल कब करूँगा अपने गाने, मैंने ओरिजिनल अपने गाने भी किए हैं, अपने खुद के कंपोजिशंस जो मैंने खुद लिखे हैं, खुद कंपोज किए हैं, गाए हैं, दैट सीरीज़ इज़ कॉल्ड बेडरूम कॉन्सर्ट, सो इफ़ यू विल जस्ट क्लिक ऑन द लिंक दैट इज़ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, और आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो प्लीज़ गो थ्रू दैट प्लेलिस्ट, इट इज़ कॉल्ड बेडरूम कॉन्सर्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ ऑडियो वर्जन अगर चेक करना हो तो darshitnayak.com पे काफ़ी सारे डेमो वर्जनस हैं, आप मेरी वेबसाइट पर सुन सकते हो, रिवर्ब नेशन पे भी मैंने डाले हुए हैं, सो आई एम बेसिकली अ कंपोजर हु कैन ऑल्सो सिंग अ बिट, पर ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे, सो प्लीज़ शेयर दो सॉन्ग्स, उन गानों को शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि कवर्स पे तो कहीं ना कहीं से थोड़े बहुत लोग देख ही लेते हैं, पर ओरिजिनल सॉन्ग्स को प्रमोट कर पाना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट,
So if you guys can help me out in doing that, it will be amazing. Unplugged Songs with Masti channel se ye comment aaya hai, bro you have really nice vocal and you are using in the best way and I want to know that what kind of accessories do you use? Number 1, which audio interface or sound card? Number 2, how to do mixing and mastering? Number 3, in which way do you record your voice, mono or stereo? And how to record voice in stereo in Cubase? I hope bro you will describe properly. Well, regarding the second point, mixing and mastering, as I said before, that it's not possible to explain the entire process in one video. So I will try to make series of videos in future. I'm not sure when, but I will definitely try. The audio interface that I use is M-Audio Fasttrack MK2. I record my voice in mono, of course, because input bhi mere paas mono hi hai. How to record voice in stereo? If your hardware supports stereo input, so I'm pretty sure software ke andar, jo bhi software aap use kar rahe hain, Cubase use kar rahe hain, ya fir लॉजिक जो भी यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर ट्रैक आप सिलेक्ट कर सकते हो. स्टीरियो ट्रैक लोगे स्टीरियो इनपुट मिलेगा, मोनो ट्रैक लोगे मोनो इनपुट मिलेगा. सो इट इज़ परफेक्टली ऑलराइट इफ़ यू आर रिकॉर्डिंग योर वोकल्स इन मोनो. ओल्गा लित्वी हैज़ रिटन, हाय आई लिव फार अवे एंड डू नॉट वेट फॉर अ मग बट आई वॉन्ट टू आस्क, डू यू प्लान टू मेक अ वीडियो ऑफ योर अर्ली सॉन्ग्स? सेकेंडली, इन माई कंट्री इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव सक्सेस विदाउट म्यूजिक एजुकेशन एज इन इंडिया विद दिस. I'm assuming you are asking about my original songs that I have posted on Reverb Nation. Well, those are just demo versions. I am yet to record full versions of those songs, but I definitely plan to make videos of them, maybe in future, but I'm not sure when. Well, I would not say it is impossible to be successful without formal music education. If that is what you're talking about, having a degree in music, it's not really necessary. As long as you are able to create something which people can relate to, which people can like, I think anyone can be successful, but you have to be good at it. Mustafa Malik ne pucha hai, do you have a girlfriend? Dekho Mustafa bhai, aisa hai ki abhi life mein jaisa hai na, ek din bas aisi news milegi ki Darshit Nayak weds ABC, bas girlfriend wagera nahi. Harsh Patel ne likha hai, thank you so much for Q&A, you are a great singer, we all know that very well. Great to nahi hu, but you are helping people by Q&A, it shows your great nature. Nature bhi mera great hai, okay, thank you. By the way, my question is, which software is best for making music for beginners? Bhai, keep it up. Ek divas jarur Bollywood ma jaso tame mane khabar chhe. Thank you, Harsh bhai. Tame aamaj mane support karta rahejo. Software ki jahan tak baat hai, software, you can use any software. It's not important which software you use. I started from Fruity Loops, then I moved to Nuendo. After that, I shifted to Cubase, and since then I have been using Cubase only. I would recommend you stick to either Cubase, Logic or Pro Tools, because mostly in industry, these three softwares are used. So, aage jaake kaam mein aayega. Bindesh Patel has asked, which software is useful for making music for beginners and which software you use in your starting videos for recording and making music? Bindesh, as I said, you can use anything. You can start from Fruity Loops, it's comparatively easier. The concept of music production should be clear. So if the fundamentals are strong, you can work on any software that you like. Ankit Keer has asked, वैसे मेरा सवाल है, अभी मेरा 10th है तो मैं क्लासिकल सीख सकता हूँ? अंकित, क्लासिकल जितना जल्दी सीख सको वो अच्छा ही होता है. तो अगर आप 10th में अगर आप टाइम निकाल सकते हो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट फैमिली का प्रेशर होगा आप पे कि बोर्ड एग्जाम्स पे ध्यान दो, विच इज़ ऑल्सो राइट, तो आप अगले साल सीख सकते हो. उत्कर्ष मनिक हैज आस्क्ड, वॉट वॉज योर स्कोर इन 10th एंड 12th एंड आर यू अ फुल टाइम यूट्यूबर? उत्कर्ष, 10th में मेरे 87 थे और 12th में मेरे 78% थे. आर यू अ फुल टाइम यूट्यूबर? नो, आई एम नॉट अ फुल टाइम यूट्यूबर येट. आई वॉन्ट टू बिकम अ फुल टाइम यूट्यूबर एंड आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड टू बिकम अ फुल टाइम यूट्यूबर एज सून एज आई कैन. Rishabh ne pucha hai, who has the biggest influence on your music? Rishabh, from the West, it has been Bryan Adams and Ed Sheeran. From Pakistan, it has been Falak Shabir, Bilal Saeed, Bilal Khan, Atif Aslam. From India, it has been Lucky Ali, Arijit Singh, Mohit Chauhan and of course Sonu Nigam. Aur pehle ke agar singers hai, usme mujhe Mahendra Kapoor ji ki awaaz mujhe bahut pasand thi aur unki singing se kafi inspire hua tha main. So these have been the biggest influence. Neeraj Sherwal has asked, Vipassana meditation ne aapko kitna help kiya hai is mukam tak aane mein? Can you teach me all the things which is related to videography, audiography, photography, mic settings, lighting, editing, etc. from initial till the end of the upload of a video on YouTube? Neeraj yaar, dusra to hai, uske upar to main specifically puri channel create kar sakta hun.
तो इस वीडियो में तो डेफिनेटली इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन ऑल दोज थिंग्स. विपसना ने कैसे हेल्प किया. फॉर दोज हु डोंट नो, विपसना इज अ मेडिटेशन टेक्निक विच आई हैव बीन फॉलोइंग ओवर द ईयर्स फॉर लास्ट 4 years. आई थिंक विपसना ने बहुत हेल्प किया है यार. मैं आई वॉज अ वेरी इमोशनल पर्सन. आई स्टिल एम अ वेरी इमोशनल पर्सन. आई यूज टू गेट हर्ट बाई एवरी नेगेटिव रिमार्क दैट यूज टू कम माई वे. एंड इनिशियली तो बहुत नेगेटिव रिमार्क्स मिलते थे. एंड पीपल वर नॉट सपोर्टिव इन द बिगिनिंग. तो सबकी बात ऐसे मन पर लेके बैठ जाऊँगा और महीनों महीनों तक वो नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में चलता रहूँगा. एंड इट नेवर यूज टू हेल्प इन एनी वे. और सेटबैक सबकी लाइफ में आते हैं. आई यूज़ टू कंसिडर माई सेल्फ एज अ विक्टिम. अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे पे ही सारी मुसीबतें क्यों आती है, मेरी लाइफ में डिफ़िकल्टीज क्यों हैं. बट इट्स नॉट द केस. सबके साथ कुछ ना कुछ होता है और कब तक रोते रहें. बट कितना भी किसी को समझा लो समझ में नहीं आता. सो विपसना रियली हेल्प्स. विपसना की वजह से जो वो समता, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, इक्वानिमिटी जो आती है इन डिफ़िकल्ट टाइम्स एंड इन गुड टाइम्स. अच्छा कुछ होने लगा तो उछल कूद के पागल नहीं हो रहे हैं, और कुछ नेगेटिव लाइफ में हो गया तो रो धो के, मतलब सब कुछ बिखर चुका है, अब तो सब मैं बर्बाद हो गया, उस तरह का माइंडसेट नहीं आ रहा है. तो यू रिमेन बैलेंस्ड. सो विपसना हेल्प्स नॉट जस्ट इन म्यूजिक, इन ऑल द एरियाज ऑफ माय लाइफ. अमीरा हैज रिटन, हाय दर्शित, आई एम योर फैन फ्रॉम इजिप्ट. आई लाइक यू एंड योर वॉइस वेरी मच. आई वॉन्ट टू आस्क यू, व्हेन डिड यू स्टार्ट सिंगिंग, एंड दर्शित इज योर रियल नेम, एंड व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग. येस अमीरा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू दैट यू लाइक माय वॉइस एंड माय सिंगिंग. दर्शित इज माय रियल नेम. And my favorite song, I do not have one particular favorite song, I have many. It will be unfair to list any one specific song. So that's it for this Q&A, I guess. And I had to pick one subscriber's name. Aur isme koi criteria nahi hai jaisa ki aapko pata hai. So I just had to pick one random name and it is Shashank Singh. So Shashank, agar aap ye video dekh rahe ho, please send me your address and complete details on this email ID. darshit.nayak@gmail.com. I hope you guys like this video. If you want me to do this kind of videos regularly, then please let me know in the comment section below. Until then, it's goodbye from me.